ये कहानी है सूरत के एक मशहूर अस्पताल की, जहाँ पे एक मरीज भूत बन गया था। मरीज बना भूत, जहाँ पर रोज काफी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ज्यादा मेहनती थे। बहुत से मरीज को वहाँ भर्ती करवाया जाता और उनका रात दिन इलाज चलता था। उस अस्पताल में एक ऐसा मरीज था, तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से अस्पताल की सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी मशीन के चलने जैसी थी। डॉक्टर बोला, ये कैसी अजीब आवाज है, समझ नहीं आ रहा है कि किसी की हंसी है फिर मशीन की आवाज। मुझे लग रहा है कोई मजदूर अपना अधूरा काम को पूरा करने के लिए रुक गया होगा। तभी दूसरी बोलती है, नहीं सर, ये मशीन की आवाज से भी अजीब आवाज है, चलिए हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी सीमा की तरह डरने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजदूर ही होगा, चलो सब चल के देखते हैं। और वहाँ से सब वहाँ जाते हैं जहाँ मजदूर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी मजदूर नहीं रहते हैं। फिर सारे मरीजों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सभी मरीज आराम से लेटे हुए रहते हैं। फिर उस बेड नंबर 9 के उस कोमा वाला मरीज के पास जाते हैं। जैसे ही वे लोग उसके पास गए, वहाँ का नजारा देखकर सबकी हालत खराब होने लगी। कोमा वाला मरीज अपने दोनों हाथों से कसकर बैग को पकड़कर उछल कूद कर रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमने इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की है। ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है और भूत बन गया है, मरीज बना भूत। ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से सब। और उसके साथ साथ गार्ड भी डर कर बोलने लगा, हाँ सर, ये ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा नजारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए हुए मरीज को इतने साल बाद जागना और वो भी इतने एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नजदीक जाने लगता है और उससे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो, क्या तुम बात कर सकते हो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बात करो मुझसे। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके और नजदीक जाने लगा। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाए और डॉक्टर के ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया। नर्स और गार्ड का ये सब नजारा देखकर पूरी तरह हालत खराब हो गया और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे, भागो भागो सब यहाँ से भागो। ये सब सुनकर जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकले की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस अस्पताल के सब दरवाजे और खिड़की बाहर से बंद थे और किसी का फोन भी काम नहीं कर रहा था। वो भूतिया मरीज अस्पताल में किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते होते उस भूत ने वहाँ छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर जब सुबह हुआ तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर पुलिस आई तो पुलिस को कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने लोग मर गया है और उसका एक भी सुराग नहीं मिल रहा है। बाद में पुलिस उस अस्पताल को बंद करा दिया और वो कोमा वाला मरीज भी उसमें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया।